हेलो गाइस, आज मैं बताऊंगा डोरेमोन के कुछ टॉप 5 स्पेशल एपिसोड्स। और इन एपिसोड्स को आपने बचपन में जरूर देखा होगा और इन एपिसोड्स को देखकर आपको अपनी बचपन की याद आ जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पे एक एपिसोड आता है जिसमें नोबिता को डोरेमोन एक गैजेट देता है जिसमें वो किसी की भी शैडो बना सकता है और उनसे काम करवा सकता है। तो वो शिज़ुका की शैडो बनाता है और लास्ट में जाकर कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन असली शिज़ुका है। और उसमें जाकर नोबिता पूछता है मुझे कौन पसंद करता है, और असली शिज़ुका शर्मा जाती है। और ये बहुत स्पेशल एपिसोड था नोबिता के लिए। तो नंबर 4 का एपिसोड तो आपने जरूर देखा होगा जिसमें नोबिता को जियान और सुनियो बुद्धू बनाते हैं। कहते हैं कि इस डांस को करने पर आसमान से एलियन की स्पेसशिप आएगी। और इस एपिसोड का आइकॉनिक डांस था रामे ताते नमक्का नमक्का, जो कि आपने जरूर देखा होगा इस एपिसोड को। तो नंबर 3 का एपिसोड तो बहुत मिस्टीरियस था, अब तक का सबसे डोरेमोन का मिस्टीरियस एपिसोड यही है, जिसमें नोबिता को एक किताब मिलती है डोरेमोन के ड्रॉअर से जिसमें फ्यूचर की बातें लिखी होती हैं। और बाकी सब कोई उस किताब पे गौर नहीं करता सुनियो को छोड़कर। और उसके बाद सुनियो नोबिता के घर आकर कहता है इसमें फ्यूचर की बातें लिखी हुई है, जिसमें का आइकॉनिक डायलॉग था काले आसमान से वो औरत गुस्सा होगी और दुखी दुख। किस किस ने ये एपिसोड टीवी पे देखा है कॉमेंट सेक्शन में लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो। तो नंबर 2 का एपिसोड बहुत अजीब है क्योंकि उसमें नोबिता को डोरेमोन एक पैराशूट देता है और नोबिता और शिज़ुका उस पैराशूट में घूमने जाते हैं और रास्ते में पैराशूट की आग खत्म हो जाती है और नोबिता टेंशन में आ जाता है और अपने कपड़े निकालकर गैस में डाल देता है और पैराशूट को ऑन कर देता है फिर से। जब नोबिता के कपड़े एकदम जल जाते हैं शिज़ुका भी अपने कपड़े निकाल देती है और दोनों एक साथ पैराशूट में थे। ये सीन सुनकर ही मुझे बहुत शर्म आने लगती है, लेकिन ये एपिसोड सच्ची में बहुत अजीब था और ये एपिसोड टीवी में बहुत कम भी आता है। तो नंबर 1 का एपिसोड अब तक का सबसे इमोशनल एपिसोड है डोरेमोन का, क्योंकि इस एपिसोड में डोरेमोन मीचैन के साथ बाहर घूमने जाता है और नोबिता को एक बटन देता है जिसमें नोबिता को कहता है जब भी मुसीबत आए तो इस बटन को दबा देना। और किसी तरह ये बात सुनियो और जियान को पता चल जाती है और वो नोबिता को जानबूझ के परेशान करते हैं ताकि वो डोरेमोन को बटन दबाकर बुला पाए। लेकिन नोबिता डोरेमोन को परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए नोबिता उनका सामना खुद ही करता है। और इस एपिसोड में लास्ट में इतनी इमोशनल हो जाती है कि आपको भी रोना आ जाए। तो कैसी लगी है टॉप 5 की लिस्ट? आपको कौन सा एपिसोड पसंद है कमेंट सेक्शन में लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो।